दोस्तों 9 सितंबर 2021 वो दिन था जब फोर्ड इंडिया से चला गया था और हम सभी के मन में बहुत ही पीड़ा हुआ था, क्योंकि यह फोर्ड एक बहुत ही बढ़िया कंपनी थी जिसके एंडिवर और इको स्पोर्ट बहुत ही फेमस कार थी। और जैसे कि मेरा मतलब सपना का कार था एंडिवर, वो चला गया मेरे को छोड़ के और मेरे मन में बहुत ही दुख हुआ। और मैं हर दिन यही सोचता रहता हूँ कि अगर फोर्ड एंडिवर कहीं से मिल जाए तो मैं ले लूँ, फोर्ड एंडिवर कहीं से मिले तो ले लूँ नया, मतलब पुराना तो मिल जाएगा आपको पर मेरे को नया चाहिए। तो यही बात शायद टाटा ने सुन ली और यह बात चल रही है कि टाटा मोटर्स मतलब टाटा एंडिवर आ सकता है। तो यही हम बात करने वाले हैं कि फेक न्यूज़ भी चारों तरफ छाई हुई है और कई कई अच्छी न्यूज़ भी है, तो आज आप लोग पूरा देखिए ये वीडियो। दोस्तों बात ये छाई हुई है कि टाटा मोटर्स फोर्ड इंडिया को खरीद लेगा, तो दोस्तों ये तो होने से रहा, क्योंकि दोस्तों फोर्ड इंडिया में नहीं आने वाला और फोर्ड इंडिया में अपना टेक्नोलॉजी नहीं, मतलब अगर फोर्ड टाटा मोटर्स को अपने बेच देता है इंडिया का स्टेज तो उन सब का जो टेक्नोलॉजी हो टाटा के अंदर चला जाएगा, तो उनका टाटा का वो अपना टेक्नोलॉजी क्यों ही बेचेंगे उनको। तो ये सब सर फेक न्यूज़ है। मैं आपको असली बात बताता हूँ, जो गुजरात में जो प्लांट था मतलब फोर्ड का वो तो अभी बंद हो गया, तो उसको टाटा मोटर्स खरीदने वाला है। और गुजरात का जो गवर्नमेंट है उन्होंने टाटा को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया कि आप लोग बेशक मेरे एरिया में आप लोग फोर्ड को आप लोग एक्वायर कर सकते हो। तो बस यही न्यूज़ है जो आप लोग को गुमराह बनाया जा रहा है कि टाटा फोर्ड को खरीद लेगा, तो ये कभी नहीं होने वाला। हो सकता है फ्यूचर में होने को कौन सा डाल सकता है, हो सकता है, पर हमें ये देख के खुशी हो सकती है अगर टाटा मोटर्स उस प्लांट को खरीद ले तो पहली बात तो टाटा मोटर्स की जो वेटिंग पीरियड है वो भी कम हो जाएगा और शायद तक टाटा मोटर्स एक टोयोटा फॉर्च्यूनर की टक्कर में अपने कार लॉन्च कर सकता है। हो सकता है वो टाटा एंडिवर ही हो जाए, कौन इसको पता है भाई। तो यही था न्यूज़। तो आप लोग शॉर्ट न्यूज़ के लिए और अच्छी कारों के रिव्यू के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा और जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।